ये कहानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की है। बचपन में कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उल्हाने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इन्हीं उल्हानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी थी और मैया से भगाते भगाते गोविंदा एक कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वो बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार भगवान से कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात यशोदा मैया ने वह आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई तब कान्हा बोले, कुम्हार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाले। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण बोले, ठीक भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनंती और है, उसे पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्ण बोले, अब वो भी बता दो। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं, उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकालो। इस बार कुम्हार बोले, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है और वो ये है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस ये वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वो चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। जरा सोचे, जो बाल से कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंदकिशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।